हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, 27 तारीख को आपका हिंदी का पेपर रहेगा। हिंदी कक्षा 12वीं का पेपर 27 तारीख को रहेगा। 80 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं में हैं और उन्होंने रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा है और हिंदी में फेल हो गए थे, वो पेपर देने वाले हैं अपना 27 मई को। तो आइए फ्रेंड्स, आपके लिए अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। बिल्कुल यहाँ पर आपको जो बताए जाएंगे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा और अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा कर रखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निशा निमंत्रण से लिया गया है। किस रस को रसराज कहा गया है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। अगला प्रश्न है, जिटोत का अर्थ है, जिटोत का जो अर्थ होता है जेठ का पुत्र। अंगार उगलना का अर्थ है, अंगार उगलना का अर्थ है कठोर वचन कहना। आगे बढ़िए, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया, तो ये किया है केशव प्रथम वीर ने। केशव प्रथम वीर ने मराठी भाषा में जो कहानी लिखी गई है जूझ का हिंदी में अनुवाद किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना खुला, तो भारत में जो पहला छापाखाना खुला वो खुला 1556 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखना है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने, तो यहाँ पर चिड़िया आएगा। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। खाली स्थान में क्या लिखेंगे आप? स्वर्ण युग। काव्य का शरीर को कहा जाता है, तो काव्य का शरीर को कहा जाता है, तो ये काव्य का जो शरीर को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस। रस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर रस तो काव्य की आत्मा माना जाता है, यहाँ पर आपका छंद होगा, छंद आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, तो मेला आंचल उपन्यास के जो लेखक है वो है फणीश्वरनाथ रेणु। और वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, संकेतवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विधिवाचक वाक्य। यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुमाऊँ। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जनमत को प्रतिबिंबित करता है। आगे बढ़िए, जोड़ी मिलाएंगे, जोड़ी मिलाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, बादल राग इस पाठ को लिखने वाले निराला जी हैं और वर्ण के बोलने में लगा जो समय होता है वो आपका क्या कहलाता है? मात्रा। पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु ने पाठ लिखा है। प्रश्न, बोधक निपात शब्द क्या कब? अतीत में दबे पांव ओम थानवी। और प्ले विद द वर्ड, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? W.H. Arden आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
एक वाक्य में उत्तर देना है। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो यहाँ पर किसे कहा गया है? बादल को। विप्लव का वीर किसे कहा गया? बादल को कहा गया है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आरोप, अगर आरोप करने की बात होती तो रूपक होता, लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठ की बात हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर होगा। व्यतिरेक अलंकार आपका राइट आंसर होगा, व्यतिरेक, क्योंकि रूपक अलंकार में यहाँ पर क्या की जाती है, आरोप लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठ की बात हो रही, सेम यही परिभाषा किसकी है, रूपक अलंकार की है, लेकिन श्रेष्ठ की जगह क्या हो जाएगा, आरोप आ जाएगा। ठीक है, तो श्रेष्ठ के कारण क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार, और आरोप की बात होगी तो रूपक अलंकार होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण दीजिए, जैसे बार 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 हो गया, साथ साथ, ये पुनरुक्त शब्द ये क्या है, युग्म है। अगला है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 साल पुराना। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं अभी आपको इसी क्वेश्चन पेपर में ऊपर बता चुका हूँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी का जवाब आना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ऊपर वीडियो को वापस देख के पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर सभी सत्यापत्य। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका आंसर असत्य होगा, असत्य लिखेंगे। अकियां हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, सत्य, इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, असत्य। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, सत्य। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद यादव को दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली को दो भागों में बांटा गया, उल्टा पिरामिड शैली को दो भागों में बांटा गया, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपकी एग्ज़ाम में आने वाले सभी दो दो नंबर के और तीन तीन नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि समय अब कम बचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन अच्छे से इनको लगा लीजिए। संदर्भ प्रसंग है, निबंध है, एप्लीकेशन है, आपठित गद्यांश है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। जो जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन शॉट ले लेना अच्छे से और इनको पढ़ लेना। अपने सभी दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा, जो जो पेपर देने जाने वाले हैं उनको एक बार इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद।